मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को ममता ने कहा कि अगर पीएम मोदी दोबारा सत्ता में लौटे तो संविधान बदल देंगे और देश में लोकतंत्र की बजाय अधिनायकवादी शासन बहाल कर देंगे। उन्होंने कहा कि लूट, दंगे और लोगों की हत्या ही मोदी के तीन नारे हैं। ममता उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले में एक चुनावी रैली में ये सब बोल रही थी। इससे पहले भी पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान की खिंचाई करते हुए ममता ने कहा था कि वादे पूरा करने में नाकाम रहने के बाद चाय वाला अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए चौकीदार बन गया है। ये चौकीदार अगर अब की बार सत्ता में लौटा तो देश को लोकतंत्र की बजाय अधिनायकवादी शासन में बदल देगा। उन्होंने कहा कि अब भाजपा नागरिकता विधेयक के जरिए देश के वैध नागरिकों को शरणार्थी बनाने का प्रयास कर रही है। ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कभी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी बनाने की अनुमति नहीं देगी। मोदी को ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि कौन देश में रहेगा और कौन बाहर जाएगा। इसी तरह नागरिकता विधेयक के जरिए भी नागरिकों को शरणार्थी बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने लोगों को भाजपा की इस कथित साजिश से सावधान रहने के लिए कहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।